और आज कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं आपको ऐसी स्थिति के बारे में बताऊंगा जब आप कभी फेस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ कि आपका जो डेस्कटॉप है बिल्कुल इस तरह का मोड आ जाता है और बहुत परेशानी में आप चले जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको कोई परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से स्वयं ही इसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। इस स्थिति में है अगर आपका कंप्यूटर, यानी इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं टैबलेट मोड, और टैबलेट मोड की अवस्था में हो तो आप कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले इस टैबलेट मोड को हटाने के लिए सबसे पहले हमें टास्क बार में आएंगे। टास्क बार में आने के बाद हम इस पे राइट साइड में इस जगह पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है टैबलेट मोड लिखी हुई है उसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैबलेट मोड में क्लिक कर लेते हैं उसके बाद जैसी स्क्रीन है आपकी पहले की तरह वो बिल्कुल हो जाएगी। आप बहुत आसानी से इस अवस्था में ला सकते हैं। देखिए आप कितनी अच्छी तरह से इसको लाया गया, यहाँ पर है इस कॉर्नर में आप क्लिक करेंगे। फिर से आप देख लीजिए किस तरह गए, इस कॉर्नर में आएंगे और कॉर्नर में आने के बाद टैबलेट मोड जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सेम बिल्कुल टैबलेट मोड जो है उसी तरह आ जाएगी। ये है टैबलेट मोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैबलेट मोड, या कुछ भी करिएगा ये नहीं हटेगा। तो आप किसी भी फ्रेंड को आप थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या फिर स्वयं प्रॉब्लम में हो तो सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी आप शॉप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर कॉर्नर में क्लिक कीजिए, फिर से टैबलेट मोड में क्लिक कीजिए, वो जैन की स्थिति में आ जाएगी। ये विंडो 10 की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है जो हम लोग स्वयं ठीक कर सकते हैं।